नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के विधायक ने बड़ा बयान दिया है। विधायक अमर अग्रवाल का बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि जल्द हो सकती है प्रत्याशियों की घोषणा, मतलब लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान जल्द होगा। सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, बस्तर के घोषित हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी। सरगुजा के क्लस्टर प्रभारी हैं अमर अग्रवाल। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रत्याशियों का ऐलान भी जल्द होगा छत्तीसगढ़ में। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है कि कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी के बारे में खासकर तीन जो हमारे सांसद थे वो विधायक बन गए, अंबिकापुर से रेणुका जी, बिलासपुर से हमारे अरुण साहू जी और रायगढ़ से गोमती साय जी, और एक सीट बस्तर और कोरबा पिछले बार हम हार गए थे। तो 5 सीटों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही प्रत्याशी घोषित हो जाएगा और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी होकर पैनल जो है दिल्ली गया हुआ है और अब ये अंतिम निर्णय उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। ये सारा विषय हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे अंबिकापुर संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान करने के विचार कर रही है बीजेपी पार्टी, ताकि प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने में समय मिल सके और पार्टी को भी इसका फायदा हो सके। जिस तरह से अमर अग्रवाल का बयान आया है, हालांकि एक दिवसीय दौरे में थे, यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इनको सरगुजा का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, लेकिन मीडिया के मुलाकात जब हुई तब इन्होंने एक बड़ा ऐलान दिया। इन्होंने कहा कि 5 जो लोकसभा सीट है इनको लेकर के इनके जो बड़े जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है, राय शुमारी हुई है और दिल्ली गए हैं, और 5 लोकसभा सीट को लेकर के इन्होंने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि 2 सीट जो है बस्तर और कोरबा ये हारी हुई सीट है, लेकिन बाकी जो सीट है उसमें जो है विधायक की चुनाव जीत करके जो प्रत्याशी हैं वो हो चुके हैं, मतलब कुल मिला के कहा जाए कि लोकसभा के लिए इनका सीट खाली हो चुका है। तो जिस तरह से इनका बयान आया है ये जल्द ही इन 5 सीटों पर जल्द नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है श्रवण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। उधर रायगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया है। युवा मोर्चा ने लगाए हैं जय श्री राम के नारे। विरोध के बाद राहुल गांधी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। चपले और नहरपारी का कार्यक्रम स्थगित किया है और कार्यक्रम छोड़ कोरबा रवाना हो गए वहां से राहुल गांधी। रायगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा का विरोध हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी युवा मोर्चा ने जय श्री राम के नारे लगाए और कार्यक्रम को भी स्थगित करना पड़ा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे रायगढ़ संवाददाता सत्यजीत घोष जुड़े हुए हैं फोन पर। सत्यजीत, क्या कुछ माहौल था जब रायगढ़ पहुंची थी राहुल गांधी की यात्रा वहां पर? रायगढ़ में तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा ऐतिहासिक रही, ऐतिहासिक लोगों ने स्वागत किया, ऐतिहासिक भीड़ थी। पर रायगढ़ से खरसिया के बीच ग्राम चपले और नहरपाली में जय श्री राम के नारे लगाए गए भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा और जमकर विरोध किया गया। जय श्री राम के नारे लगाए गए और विरोध को देखते हुए राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ गई। सुमित, आपको बताना चाहूंगा, नहरपाली में और चपले में राहुल गांधी की सभा होनी थी, पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का विरोध और जय श्री राम के नारे सुनकर वही राहुल गांधी का कपिल आगे निकल गया। जब हमने इस विषय में कांग्रेसियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि कुछ देर समय का अभाव के कारण राहुल गांधी को सीधे निकलना पड़ा, नहीं तो यहाँ सभा होती। कहीं ना कहीं कांग्रेसी बात को गोल मोल जवाब देते नजर आए, पर ये भी सही है, आप देख सकते फुटेज में किस प्रकार से जय श्री राम के नारे लगाकर विरोध किया जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। सुमित, ठीक है सत्यजीत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जशपुर के कंडोरा गांव में आयोजित हो रहे मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में
मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने भी मातृ पितृ दिवस मनाने का ऐलान किया था। ये आग्रह हुआ है कि 14 फरवरी को मातृपितृ दिवस घोषित किया जाए, तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते 14 फरवरी को मातृपितृ दिवस घोषित करता हूं। तो सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है। जी हां, गृहग्राम बगिया में कैंप कार्यालय खोला गया। सरगुजा संभाग समेत आसपास के जिलों के लोगों की समस्याएं यहीं पर सुनी जाएंगी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के लिए 3 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। कैंप कार्यालय से सीएम ने फोन पर मरीज सुकांति बाई से बात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना है। सीएम कैंप कार्यालय के जरिए अब तक 75 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है। हेलो 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 सुकांति, हाँ मैं बगिया ले बोलत हाँ, विष्णुदेव साहब बोलत हाँ, मुख्यमंत्री। हेलो, मैं विष्णुदेव साहब बोलत हाँ, बगिया ले मुख्यमंत्री। हेलो, हाँ आवाज आता है? आता है। और इलाज उलाज बढ़िया चलता है ना? अच्छा बढ़िया चलते हैं, अस्पताल है, डॉक्टर मन बढ़िया देखते हैं। अच्छा चला, मैं बगिया आए रहे हैं तो मैं पूछ सोते तापमान से हाल चाल ले लो है ना। हाँ बढ़िया हुआ जल्दी है ना, भगवान से प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ होकर घर आवा। ठीक है, हाँ हाँ चला, धन हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मनिंद्रगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश के सभी छात्रों के लिए सभी छात्रों के स्वास्थ्य की जांच का ऐलान किया है। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ग्राम पंचायत कटकोना के निवारी बहेरा में आयोजित हेल्थ कैंप पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें सभी स्कूल के छात्र छात्राओं के हेल्थ चेकअप किया जाएगा। हमको करना है कि पूरे प्रदेश में ऐसे पिछड़े जनजाति क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर उनकी स्वास्थ्य चेकअप की जाए, साथ ही साथ प्रत्येक स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण कार्य कल से प्रारंभ कर दिए जाए सभी जगहों में। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य परीक्षण स्कूलों में जाकर करने का काम है, उसको तीव्र गति से करके स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, ये निर्देश पूरे प्रदेश के लिए यहां से जारी करता हूं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएए का लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर गृह मंत्री ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। अलग वाले भवन बनिए और नौजवान मन पर मतलब चुनाव से उस बात का कोई लेन देन ही नहीं है। CAA जो है यह नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। तो चुनाव से पहले भी होने से क्या इशू है, और इसका चुनाव से कोई लेन देन है भी नहीं। कितना अंतर आ गया इस लड़ाई में? मैं वही कह रहा हूँ आपसे फिर से कि इससे चुनाव से कोई लेन देन नहीं, और अंतर तो कुछ नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में तो 11 की 11 सीट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है साहब। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिंहदेव ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। हालांकि उन्होंने आगामी आम चुनाव में प्रदेश की आधी सीटें जीतने की संभावना जताई है। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 से 6 सीटें जीत सकती है।
मैं नहीं लड़ूंगा। अभी मीटिंग भी हुई थी, वहाँ बात भी आई थी, मैंने कहा व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक कारण है, स्वास्थ्यगत कारण है परिवार के, उन परिस्थितियों में मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और कई लोग कहते हैं सरगुजा से आप लड़ेंगे क्या, तो वो तो आरक्षित सीट है, कि अन्य जगह से भी बात आई थी, कोरबा से भी बात आई थी, बिलासपुर से भी बात आई थी, तो मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ। लेकिन आधी से ज़्यादा सीटों में कांग्रेस की अच्छी संभावना है और हम लोग चाहेंगे कि आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीते, प्रयास रहेगा सभी जीतने का। उधर पूर्व डिप्टी सीएम डीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुकी है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, सिंहदेव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लड़ने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब ही स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है और छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह होंगे बीजेपी उम्मीदवार। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे छत्तीसगढ़ में। सरोज पांडे का कार्यकाल यहां पर खत्म हो रहा है, एक सीट खाली हो रही है राज्यसभा की और सभी इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए कौन जाएगा छत्तीसगढ़ से, तो अब इंतजार खत्म हुआ और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी उम्मीदवार होंगे राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ में। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी पवन गौर, जुड़े हुए हैं फोन पर। पवन, इंतजार खत्म हुआ, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर मोहर लगी? जी बिल्कुल, तरह से बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा की। उस अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजा देवेंद्र प्रताप सिंह की नाम की घोषणा की है, क्योंकि एक सीट छत्तीसगढ़ से खाली हुई थी, उस पर उन्होंने बीजेपी की तरफ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम की घोषणा से थोड़ी देर पहले की गई है। क्योंकि आप जिस तरह से देखते हैं कि तकरीबन 56 जो राज्यसभा की सीटें हैं वो अभी जो खाली हुई हैं, हाल ही में उनको बधाई दी गई थी, संसद के जो आखिरी सत्र अभी खत्म हुआ है उससे पहले उनको सबको बधाई दी गई थी। तो ऐसे में बीजेपी ने आज जो है वो अपने कुछ जो राज्यों के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिसमें अगर उत्तर बात करें छत्तीसगढ़ की तो राजा देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम की घोषणा की है। बिल्कुल पवन, जिस तरीके से हम अभी देख रहे थे कि राज्यसभा के लिए किसे भेजेगी बीजेपी, कई सारे चेहरों के नामों पर चर्चा यहां पर हो रही थी, लेकिन राजा देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर मोहर लगाई गई है, इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं आप, क्या सोचा बीजेपी ने इसके लिए? तो हम फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी पवन से बातचीत करने की। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से उम्मीदवार होंगे राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है, 2 अप्रैल को खाली हो रही है राज्यसभा की सीट, बीजेपी ने राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है, 2 अप्रैल को राज्यसभा सीट खाली हो रही है। सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है, बीजेपी ने राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। पार्टी ने ये ऑफिस खोलने की जिम्मेदारी क्लस्टर प्रभारियों को दी। गौरतलब है कि बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़ में 3 क्लस्टर बनाए हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ को 3 क्लस्टर में बांटा है। तो
छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा के अंदर 11 लोकसभाओं में कार्यालय का लोकार्पण कर चुके हैं, हमारी गतिविधियां बढ़ गई है। निचले स्तर पर विधानसभा में कार्यालय का गठन करना, जो हमने लगभग 34 कमेटियां बनाई हैं उसको लोकसभा के बाद में विधानसभा तक स्तर पर चुनाव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको इम्प्लीमेंट करना, और नीचे तक हमने अपना वॉल राइटिंग अभियान प्रारंभ कर दिया, हमने बूथों की बैठक लेना कर दिया, घर घर चलो अभियान प्रारंभ कर दिया, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के जो हितग्राही है उनसे संपर्क अभियान भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। रायगढ़ जिले में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक रोचक वाक्या देखने को मिला। यहां आयत खान नाम की 10 साल की बच्ची राहुल की यात्रा में स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर लेकर चल रही थी। बच्ची के हाथ में अपने पिता की तस्वीर देखकर राहुल इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और उन्होंने बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची ने राहुल गांधी से कहा, मेरे पिता मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। बच्ची की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई। आपको आज राहुल गांधी जी ने बातचीत की थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो राहुल गांधी जी ने आपको देख के बुलाया क्या? हाँ। आप क्या जगह बुलाया? आपने राजीव गांधी का फोटो पकड़ा था, उसको देखा था, बुलाया? हाँ। क्या पूछे राहुल गांधी जी ने आपको? मेरा नाम पूछे कि मैं कौन से क्लास में पढ़ती हूँ पूछे, फिर स्कूल का नाम पूछे, फिर पापा का नाम पूछे। पापा मम्मी का काम के बारे में भी बात की? क्या बोले? मैं मम्मी को मतलब मैं राहुल गांधी को बोली, मम्मी गांव में रहती है, पापा दुकान जाते हैं। क्या चीज की दुकान चलाते हैं? मोहब्बत की दुकान। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? MD मुश्ताक खान, इंदिरा नगर में घर है, रायगढ़ में। आज बच्ची आपकी राहुल जी के बराबर में बैठी थी, सबसे पहले तो बताएंगे कैसा महसूस हुआ? बहुत गर्व लगा और बहुत अच्छा लगा, जो सोचे नहीं थे वो हुआ। तो एक तरफ राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी न्याय यात्रा पर निशाना साध रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने लोगों को न्याय दे। कांग्रेस के बहुत सारे लोग न्याय खोज रहे हैं। अपने लोगों के साथ न्याय करे, कांग्रेस के लोग ही न्याय खोज रहे हैं। राहुल गांधी जी पहले उनको न्याय दे दें, फिर वो न्याय यात्रा निकालेंगे। निकाले तो थे न्याय यात्रा, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? राहुल जी की न्याय यात्रा खूब चल रही थी। जिन जिन राज्यों में इनकी न्याय यात्रा गई, इनकी जनता ने इनका फैसला कर दिया। इस बार 0 सीट पाएगी, 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार हमारी छत्तीसगढ़ में चल रही है, उस इंजन के प्रभाव से 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ से देंगे और पूरे देश में अब की बार 400 पार। उधर बीजेपी के विधायक अमर अग्रवाल ने भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का पंख धार हो जाता है। उन्होंने राहुल गांधी के सरगुजा दौरे पर कहा कि उनके दौरे के बाद बीजेपी सरगुजा लोकसभा को पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीतेगी। कि जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंठाधार 425 से लीड किए। अभी हम लोग 1,92,000 से आगे हैं, ये 8वीं विधानसभा में, लोकसभा में। राहुल गांधी आने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये आंकड़ा और पार हो जाए।